आपके स्क्रीन पे मनोज पद्मश्री लेफ्टिनेंट कर्नल बी मोहनलाल, बहुत बहुत प्रसिद्ध कलाकार मॉलीवुड के। आखिरी गेंद पे बड़ा शॉट का प्रयास, ये सीधा हवा में गया है, क्या कोई इसे पकड़ेगा? टपका दिया, फिर से एक आसान सा कैच और रन आउट का मौका, सब कुछ हो रहा है यहां पे। कोई भी जरूरत नहीं थी ऐसे शॉट खेलने की, लेकिन फिर भी शॉट खेल रहे हैं हवा में, जोखिम भरे रन ले रहे। ओवर समाप्त 143 पर चार। राजीव पिल्लई 62 पर खेल रहे हैं, विवेक गोपन 19 पर, और यहां पर बहुत ही चिंतित रितेश देशमुख। हवा में खेला था, कोई भी जरूरत नहीं थी। राजीव आज बहुत ही भाग्यशाली रहे हैं, बहुत ही ऊंचा कैच था, तारामंडल में पहुंच गया था, लेकिन यहां पर टपका दिया फील्डर ने ये कैच। एक मौका बना था और फिर देखिए किस नाटकीय तौर से और एक रनआउट की संभावना थी, लेकिन बच गए। कमाल की बात है, 3 रन ले लिए थे, यानी आप अंदाजा लगा सकते हैं गेंद कितनी ऊपर गई थी कि 3 रन लेने का वक्त मिला था। देवान, इसलिए मैंने कहा तारामंडल में पहुंच गई थी गेंद। बिल्कुल, मंगलयान के आसपास बातचीत करती हुई वापस आई वो गेंद। तो 3 ओवर बचे हैं, 24 रनों की जरूरत है। रितेश देशमुख खुद आए हैं अपनी टीम को यहाँ पे नया पार लगाने के लिए, विकेट की जरूरत है। और टू बी फेयर टू देम, राजीव पिल्ले ने बहुत कोशिश की है, यहाँ पे क्या आउट होंगे? फिर से बड़ा शॉट का प्रयास, लेकिन क्या इसे वाइड करार दिया जाएगा? दी हाँ, यहाँ पे अतिरिक्त गेंद करने की कोई गुंजाइश नहीं, कप्तान को ये याद रखना पड़ेगा। बिल्कुल, आप मुफ्त में रन नहीं दे सकते हैं। 17 एक अतिरिक्त रन। तकरीबन 10-12 प्रतिशत आप अगर इनिंग्स में अतिरिक्त रन दे देते हैं तो उसका खामियाजा कहीं ना कहीं तो आपको भुगतना ही पड़ेगा। मोहतरमा थोड़ा हंसिए, बहुत ही रोमांचक मैच चल रहा है। राजीव पिल्लई ने 2 जीवनदानियां, कहीं 3 जीवनदान दिए थे, क्योंकि जब 41 पे थे तब एक हवाई या शॉट मारा था जो रितेश देशमुख नहीं पकड़ पाए थे। 59 पे ड्रॉप हुए जब सिद्धार्थ जाधव ने ड्रॉप किया था। यहाँ पे अपील में जोश बहुत थी, लेकिन विश्वास कम, क्योंकि ऑफ स्टंप के बाहर निकल चुके थे बल्लेबाज गोपन। देवान, मुझे तो जोश भी कम नजर आया ऑफ स्टंप के बिल्कुल बाहर, कोई भी गुंजाइश नहीं थी वहां पर आउट करार करने की। और लगती कहां पे, किसी स्टंप पे भी नहीं लगती शायद। बढ़िया कदमों का इस्तेमाल, लेकिन सीधा फील्डर के हाथों। लेकिन यहां पर अभी भी पासा पलट सकता है, 2 विकेट की गुंजाइश, एक अच्छी ओवर अगर आ जाए, किफायती ओवर, तो कुछ भी संभव है। और ये एक बेहतरीन ओवर की है अब तक रितेश देशमुख में। शुरुआत की थी एक वाइड से, लेकिन उसके बाद 2 डॉट बॉल या 1 डॉट बॉल और 2 सिंगल्स, तो इसी तरह की ओवर की जरूरत है। कप्तान लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, राजीव पिल्लई फिर से आ गया है, फिर से हवा में, इस बार कैच फिर से नहीं पकड़ा गया 3 गेंदबाजों के बीच में, लेकिन यहाँ पे क्या रन आउट हुए हैं? आखिरकार राजीव पिल्लई का विकेट गिरा ही है, वो कई बार उन्होंने मौका दिया वीर मराठी को, आखिरकार वो गिफ्ट स्वीकार करने किया का बड़प्पन दिखाया वीर मराठी के फील्डर्स ने। बड़ा शॉट खेलने का प्रयास किया था यहाँ पर, फिर भी भाग्यशाली रहे, लेकिन दूसरा रन लेने की गलती की और अपना विकेट गवाया। कोई भी संभावना नहीं थी वहां पर दूसरे रन की, लेकिन एन मौके पर 64 पर आउट हुए 147 पर 5। बहुत ही करारा शॉट, जवाबी हमला,
पहली गेंद पर उन्नी मुकुंदन बरस पड़े और कितने बढ़िया तरीके से बरसे, खूब टूट कर बरसे। ये एक बहुत बहुत बड़ा शॉट था, खासकर इस संदर्भ में, क्योंकि 20 रन जरूरत थी 14 गेंदों पे, और उस वक्त आके पहले ही गेंद पे एक बड़ा छक्का मारना बहुत बहुत काबिले तारीफ। फिलहाल आखिरी गेंद आएगी इस ओवर की, इस छक्के के वजह से अच्छा ओवर बन चुका है, 10 रन आ चुके हैं इस ओवर में। क्या रितेश देशमुख एक और विकेट दिलवा सकते हैं अपनी टीम को? स्लोअर बॉल अटेम्प्टेड और डॉट बॉल के साथ समाप्त करेंगे ओवर को 153/5। पर 5 केरल स्ट्राइकर्स, 14 रन चाहिए, 12 गेंदों बची अभी तक, लक्ष्य बिल्कुल मुश्किल नहीं है।